मेरी हालत देख रहे हो, वीरान हो गया हूँ। कभी यहाँ पर हरी भरी फसलें लहलहाती थी और अब मैं ऊसर बंजर बन गया हूँ। जानते हो मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ? इसके कई कारण हैं। भूमि में जरूरत से ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाना, वर्षा का कम होना, तापमान ज्यादा होना, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होना और साथ ही लवणीय जल से जो है सिंचाई करना, ये सभी कारण आज मुझे इस स्थिति में ले आए हैं। मैं बीमार हो गया हूँ, अब मेरे में फसलें नहीं उग रही हैं। क्या मुझे कोई सुधार सकता है? क्या मैं फिर से हरी भरी हो सकती हूँ? मेरी बीमारी की वजह से पशु पक्षी किसान सभी परेशान हैं। कोई है जो मेरी इस बीमारी को निजात दिला सकता है? हाँ, मैं हूँ ना, मैं आपको फिर से हरा भरा कर सकता हूँ। अच्छा, कैसे? मेरे प्रयोग से थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएगी। अरे भाई, आप हो कौन? मैं हूँ तरल वेस्टी कंपोजर। रासायनिक खाद तो नहीं हो? नहीं भाई, मैं जैविक कल्चर हूँ और गौमूत्र से ये कल्चर तैयार हुआ है। अच्छा, तो भाई ये बताओ हम क्या करें? तो चलो सुनो, मैं हूँ तरल वेस्टी कंपोजर। मेरे घोल को 2 महीने में 3 बार प्रयोग करना होगा और साथ ही गाय के गोबर का प्रयोग करना होगा और इसी से आप फिर से सही हो जाएंगे और जमीन उपजाऊ हो जाएगी। लेकिन कैसे प्रयोग करना है? चलो ये भी हम बता देते हैं। करना ये है कि आपको 3 बार 10,000 लीटर घोल को 21 दिन के अंतराल पर प्रयोग करना होगा और साथ ही हर बार 5-5 टन गाय के ताजे गोबर का प्रयोग करना होगा। लेकिन ये घोल कैसे तैयार होगा 10,000 लीटर? 10,000 लीटर घोल को तैयार करने के लिए अगर आपके पास प्लास्टिक के बर्तन हैं तो आप उसमें तैयार कर दें, अगर नहीं है तो आप जमीन में एक गड्ढा खोदें, उसमें पॉलीथीन बिछा लें और उसमें 10,000 लीटर जो है पानी भर दें। और इसमें एक खास चीज और करना है, आपको मेरी कम से कम 20 बॉटल एक बार में डालनी होगी और इसमें 200 किलो तक आपको जो है गुड़ इसमें डालना होगा और ये फिर क्या होगा, 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। जब 1 हफ्ते में तैयार हो जाए तो आप 10,000 लीटर घोल को खेतों में प्रयोग कर दें। ये 1 एकड़ के लिए है दोस्तों। साथ ही साथ इसमें जो है 5 टन गाय के गोबर को खेतों में डाल दें। इस प्रकार दोस्तों आपको पहले दिन जब ये डालना होगा उसके 20वें दिन फिर से आपको इतना ही मटेरियल तैयार करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि जिस दिन आपको डालना है उसके 1 हफ्ते पहले आपको आपका 10,000 लीटर घोल तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि जिस दिन डालना है उस दिन तक घोल तैयार हो जाए। तो इस प्रकार दोस्तों आप लगातार 3 बार इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात बताई भाई आपने, बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो किसान भाई आप भी जान लें, हमारी जैसी बंजर और ऊसर जमीनों को फिर से उपजाऊ बनाकर आप जो है अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी ऊसर बंजर जमीन है तो तरल वेस्टी कंपोजर के घोल का प्रयोग करके आप अच्छी जमीन यानी उपजाऊ जमीन कर सकते हैं।